बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाज़ डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिगनार्ड एंड ही वाज अवार्डेड अ नोबल प्राइज एंड ही वाज अवार्डेड अ नोबल प्राइज़ इन 1912। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज़ एक्चुअली अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इफ आर रिप्रेजेंट अल्काइल or any aryl group if the R is methyl group, so the name will be methyl magnesium and X is halogen. Halogen can be chlorine, bromine, iodine, fluorine, etc. So हमारे पास अगर यहाँ पे halogen में iodine हो और यहाँ पे हमारे पास R की जगह पे methyl हो, so the compound is methyl magnesium iodide. So Grignard ने जो first time रिएजेंट प्रिपेयर किया था विक्टर ग्रिगनार्ड ने, दैट इज़ एक्चुअली मीथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एंड इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव मॉलिक्यूल कंपाउंड एंड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें ग्रिगनार्ड रिएजेंट को यूज़ करते हुए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ हाउ द ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज़ प्रिपेयर्ड, सो अल्काइल हैलाइड कैन बी रिएक्टेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इट इज़ रिफ्लक्सेस देन, और या फिर हम क्या कर सकते हैं कि टेट्राहाइड्रो फ्यूरेन को भी यूज़ करते हैं, सो वी विल ऑब्टेन अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नाउ अगर जो फर्स्ट टाइम ग्रिगनार्ड ने यूज़ किया था तो उसने मीथाइल आयोडाइड को मैग्नीशियम रिबन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथाइल ईथर या ड्राई ईथर के साथ जो है इसने रिएक्ट किया था, सो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ, मीथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड प्रोड्यूस हुआ। नाउ अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं कि हाउ द अल्काइल हैलाइड आर रिएक्टिव, सो द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल आयोडाइड इज़ मच मोर then bromide, then chloride and then fluoride. This is because of what? The size of the iodide is much more larger. जितना साइज बड़ा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही आसान होगी या उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी ब्रेकडाउन मतलब अल्काइल और आयोडीन एक दूसरे से आसानी से सेपरेट हो सकते हैं। सो रिएक्टिविटी के लिहाज से तो आयोडाइड हमारे पास, अल्काइल आयोडाइड हमारे पास क्या है, मोर सूटेबल है, लेकिन आयोडाइड कंपाउंड आर मच मोर एक्सपेंसिव, सो द बेस्ट अल्काइल हैलाइड आर अल्काइल ब्रोमाइड विच कैन बी ईजीली अवेलेबल एंड इट इज़ चीप एज वेल एज इट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। तो हम क्या करते हैं कि नाउअडेज जो यूज़ होते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन में, तो अल्काइल ब्रोमाइड यूज़ करते हैं। नाउ द function of the ether is what? Ether is acting as a medium. Second one, it is acting as a solvolysis, matlab it dissolves Grignard reagent through solvolysis. जब केमिकल रिएक्शन हो जाता है अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ और फिर हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोड्यूस होते हैं, सो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड आर एक्चुअली अ वेरी रिएक्टिव सॉलिड, सो वी केप्ट इट इन अ डाई ईथाइल ईथर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन और एयर। हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्वोलाइसिस के थ्रू जो हमारे पास ईथर यूज़ हुआ होता है वो इस मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इसको प्रिवेंट करता है कि अगर हमारे पास इसकी रिएक्टिविटी, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी क्रिएट होती है, अब उस इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए जो डाई ईथाइल ईथर यूज़ हुआ होता है वो क्या करता है कि अपना एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसके साथ शेयर करता है। जो अपरेटस यूज़ हुआ होते हैं दैट इज़ रिफ्लेक्स कंडेंसर, राउंड बॉटम फ्लास्क एंड
डिस्टल फनल यूज़ करते हैं। क्या करते हैं कि जो राउंड बॉटम फ्लास है इट इज़ कनेक्टेड विद रिफ्लक्स कंडेंसर, और ऊपर हमारे पास डिस्टल फनल होता है। जो राउंड बॉटम फ्लास में मैग्नीशियम रिबन की फॉर्म में डाई इथाइल ईथर में या ड्राई ईथर में डिप किया होता है, ऊपर से अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 1:1 रेशो में हम डालते हैं। जब वो नीचे आ जाता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक एक ड्रॉप आएगा, यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्लाउडीनेस सी अपेयर होगी। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर केमिकल रिएक्शन अ क्लियर सोल्यूशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोड्यूस हो जाता है वो डाई इथाइल ईथर में एज अ सॉल्वेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये जिसको हम डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए या फर्दर केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ छोटे से क्रिस्टल्स या स्मॉल अमाउंट में आयोडीन की क्रिस्टल इसमें डाल देते हैं तो केमिकल रिएक्शन स्पीड अप होता है और हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड प्रोड्यूस होते हैं। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड में हमारे पास कार्बन एंड मैग्नीशियम बॉन्ड इज़ मच मोर कोवेलेंट एंड इट इज़ मच मोर पोलर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है कि इट इज़ फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड मैग्नीशियम और कार्बन के दरमियान में बना है बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ये हाईली पोलर होते हैं। क्यों पोलर होते हैं? क्योंकि जो कार्बन है इट इज़ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, सो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी डेंसिटी कार्बन की तरफ ज़्यादा होती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आर पार्शियल नेगेटिव एंड मैग्नीशियम पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज। सो रिएक्टिविटी के लिहाज से अगर हम देखें तो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा कि इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव रिएजेंट एंड यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज द कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और ये क्यों करता है? क्योंकि हमारे पास कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, सो इट विल फाइंड द पॉजिटिव चार्ज इन द अदर स्पीशी, जहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा वो उस पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइन या न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सो इट इज़ नोन एज कार्बन आयन एनायन या कार्बन एनायन भी कहते हैं। नाउ दो तरह की रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो लेट सपोज अगर आपके पास कोई कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल है ए एंड बी, और उसमें क्या हो कि आर जो है वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पे जो सेकंड मॉलिक्यूल है उसमें लेट सपोज बी जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का आर जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ए की जगह ए पे आ जाएगा और बी की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमारे पास फर्स्ट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है वो ऐड होते हैं, मोस्टली ये कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो है ऐड होते हैं, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हाईली जो एडिशन प्रोडक्ट है ये अनस्टेबल होते हैं, और डायरेक्टली इसको हम क्या कर लेते हैं, एसिड हाइड्रोलाइज कर लेते हैं, तो कॉरिस्पॉन्डिंग कंपाउंड मतलब अल्कोहल हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं।
Now there are different type of chemical reaction of Grignard reagent, like reaction of Grignard with compound containing active hydrogen. जिस भी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन हो वो इसके साथ आसानी से रिएक्शन करके आपको कॉरिस्पॉन्डिंग कंपाउंड देंगे. एक्टिव हाइड्रोजन उन कंपाउंड में होते हैं जो मोस्टली एसिडिक होते हैं, जो आसानी से अपना हाइड्रोजन या प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ कर सकते हैं. जैसे कि पानी में हमारे पास है, वाटर में या अमाइन में हमारे पास है. तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल, सो द प्रोटॉन दिस इज़ एक्चुअली अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सो हमारे पास बन जाएगा इससे क्या, मीथेन एंड मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड. सेम इन द केस हमारे पास क्या है, अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड. इसी तरह अमाइन के साथ, प्राइमरी अमाइन के साथ भी ये रिएक्ट करके आपके पास मीथेन प्रोड्यूस करेगा. टेम्परेचर यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर लेंगे तो हमारे पास मैग्नीशियम आयोडाइड अमाइन कंपाउंड प्रोड्यूस होगा. नाउ दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, फॉर द एस्टिमेशन ऑफ NH2 ग्रुप मीन्स अमाइन ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. जिस भी कंपाउंड में आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो एंड NH2 ग्रुप हो, सो इसकी एस्टिमेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. यहाँ पे जो मीथेन है वो गैस की फॉर्म में एवोपोरेट हो जाता है, क्योंकि मीथेन हमारे पास हाईली वोलेटाइल है, और पीछे रह जाता है मैग्नीशियम आयोडाइड हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम आयोडाइड मिथाइल अमाइन हमारे पास रह जाता है. नाउ रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, दैट इज़ एक्चुअली सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड या अनसैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगे, हमारे पास कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन प्रोड्यूस होंगे या फिर अल्कीन प्रोड्यूस होंगे. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद इथाइल ब्रोमाइड, सो वी विल ऑब्टेन प्रोपेन प्लस मैग्नीशियम आयोडाइड ब्रोमाइड. नाउ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड रिएक्ट विद प्रोपिनाइल ब्रोमाइड, सो इट विल प्रोड्यूस व्हाट, ब्यूटीन प्लस मैग्नीशियम आयोडाइड एंड मैग्नीशियम आयोडाइड ब्रोमाइड.